चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिक कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर का असली मकसद आ गया सामने। राष्ट्रीय जनता दल RJD ने शनिवार को एक पत्र जारी कर अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किए गए जन स्वराज अभियान से जुड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक गुप्त पत्र सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें उन्होंने जन स्वराज को भाजपा की बी टीम बताया है। साथ ही उन्होंने जन स्वराज अभियान पर फंड के लिए भाजपा पर निर्भर होने का आरोप भी लगाया है। दरअसल हाल ही में प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि इस साल गांधी जयंती पर जन स्वराज औपचारिक तौर पर एक राजनीतिक संगठन का रूप लेगा और एक साल बाद होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा और किसी भी मौजूदा राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगा। प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद राजद को पूरा भरोसा हो गया है कि प्रशांत किशोर BJP के बी टीम हैं, इसीलिए उनके द्वारा आनंद फानन में पत्र जारी करके कहा गया है कि जन स्वराज एक राजनीतिक दल है जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे हैं। साथ ही जगदानंद द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि जन स्वराज को भाजपा और देश के धार्मिक लोगों द्वारा चलाया और वित्त पोषित किया जाता है।